बस अगर बच्चों वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएसटी डिजिटल स्किल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म माय सेल्फ विनय शुक्ला जो है विद द टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यू आर करेक्ट थ्रू आवर सर्कुलर लूप दिस इज बिलोंग टू द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा की तरह मैं फिर से आपको आ गया हूँ कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चों, लेकिन इस चीज को आप क्लियर अच्छे तरीके से जान लें। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है तो आपको बीडीएसके स्कूल के बीडीएसके ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जाकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि अगर आप बीच बीच में वीडियो देखेंगे तो बच्चों इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, बैठ करके सारे वीडियोस को क्रम वाइज सिस्टम वाइज सिलेबस वाइज आपको हेडिंग वाइज आपको पढ़नी होगी, तब क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सारे वीडियोस को बार बार देखेंगे ताकि खूब अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टीचर को है नहीं, आप उनको फोन करके थोड़ा सा तुरंत आपको थोड़ा सा एक बार वीडियो देखने की तुरंत बात ही जरूरी है कि सबको समझ में ही आने लगे, थोड़ा रिलैक्स होकर देखें, आदत डालें, बार बार देखें कि आपको वीडियो में क्या समझाया जा रहा है। धीरे धीरे जब आप उसकी आपकी एक हैबिट बनने लगेगी बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आप इस क्लासरूम में नहीं है। ओके बच्चों, इसी आशा के साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू सर्कुलर लूप। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अब वायर इन विच अ करंट इज फ्लो, द करंट when the current is flow there is a magnetic there is a field around the wire is produced in which any light or light charge can be experiences a force, that force is called magnetic field। ये तो आपने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा हो, अभी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, नहीं उठिए देखिए शुरू कीजिए आप पढ़ाई आप। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, मैं फिर से एक बार पीछे बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड का, व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ड्यू टू दिस करंट देयर इज फ्लोइंग ऑफ करंट देयर इज अ फील्ड अराउंड द वायर इज प्रोड्यूस्ड इन विच अ नेगेटिव और लाइट चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, द फोर्स इज एज वी कैन मैग्नेटिक फोर्स so because this region is a magnetic field, तो ये region क्या कहलाता है, प्रकार से इसकी magnetic field कहलाती है। magnet को आप जानते ही होंगे बच्चों, magnet की भी क्या होती है, देखिए उसके around में क्या होती है, field होती है, उसी field को भी cover करता है। आपको class tenth में आपको magnetic field निकालने के क्या है practical भी है यहाँ पर दिखाएंगे। तो this the field in which the field of that magnet is called magnetic field and in which it can be attract a small ion particles, metal particles which can be attract or repulsed due to light force or unlike force। तो बेटा कोई अलग सी चीज नहीं आ गई, इफेक्ट आपका बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है। यहां पे भी क्या होता है, वैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन करंट में भी होता है, लेकिन उसको आप नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ में आप जाकर के पढ़ेंगे। यहां आपको सिंपल सा पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। और द मीनिंग ऑफ लूप, द वायर विच हैव अ सर्कुलर कंडीशन दैट इज कॉल्ड द लूप। ओके, दिस लूप इज कनेक्टेड विद द सेल, एक सेल के साथ इस लूप को मैंने क्या किया है, कनेक्टेड किया है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस वायर को पोस्ट नेगेटिव फोर्सेस के इसके दो क्रॉस सेक्शन एरियाज के एक वो जोड़ेंगे, देयर विल बी अ करंट स्टार्ट टू मूविंग इन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस सो देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट यहां से निकल जाएगा, ऐसे जाएगा लेकिन उसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा। तो ये आप ये सोच के ना पढ़े बच्चों, ये क्लास टेंथ पढ़ रहे हैं,
ट्वेल्थ के कॉन्सेप्ट का बेस है उसका उसे इसे समझने से वहां के कॉन्सेप्ट वहां के रूल्स आपको क्या होंगे समझ में आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाला है जिन्होंने बायो सॉल्वर्स मैक्सवेल फ्लेमिंग दे ऑल द हैव मेनी कंट्रीब्यूशन टू नो टू चेक द बाय द फॉर्मूलास टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो आपने देखा एक वायर के एक पोर्शन एक सर्कुलर लूप के पोर्शन हमने रखा है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव व्हेन द स्टार्ट करंट इज व्हेन द सेल स्टार्ट टू गिव द करंट द करंट विल बी फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर समझ में आ रहा है आपको। अब यहां से हम देखते हैं कि हम जो राइट हम यहां अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि हम अपने राइट हैंड के थंब को किसकी डायरेक्शन में कि ये किसकी डायरेक्शन को बताता है इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड। तो ये अगर कोई चीज हम जैसे वायर मान लीजिए सपोज बच्चों अच्छे समझो मान लीजिए एक वायर है अब करेंट इसका इस तरफ फ्लो होगा ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो थंब उधर हो गया दिख रहा है आपको। तो ये थंब इज सोर्स डायरेक्टिंग करंट एज लाइक राइट हैंड थंब रूल आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस यू हैव यू ऑल द स्टूडेंट्स दिस करंट दिस सॉरी थंब इज इंडिकेटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस रैप्ड फिंगर यू सी हियर दिस रैप्ड फिंगर इज सोर्स द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ऐसे देखिए टनाटन ऐसे क्या करिए कीजिए तो ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड आपकी मिलेगी। तो राइट हैंड थंब रूल कोई बहुत कठिन रूल नहीं है। वी अरेंज आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देन आवर द सजेस्टेड फिंगर्स विच आर द रैप्ड दैट विल बी दिस शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर आप देखिए इसी तरीके से बना एक करंट इस तरीके से जा रहा है मेरा राइट हैंड उसको इस तरीके से ये शो कर रहा है। अब देखिए आकर जा रहा है अब ये रैपिंग कैसे होगी है ऐसे देखिए ऐसे करके बनेगी जहां जहां आप जाओगे ऐसे ऐसे करके ये सारे पॉइंट पे क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे आप ठीक है वो हम निकालेंगे बने इसमें छोटे छोटे लेंस से वो अलग बात है लेकिन वो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनाती है पूरे सर्कुलर लूप में क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाती हुई दिखाती है। तो अब यहां से जाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बाय अप्लाई राइट हैंड थंब रूल से किस बनाता चला जाए आप ऐसे अपने थंब को बनाते जाए इन द डायरेक्शन आप चलते जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती जाएगी फिर आपको इस तरीके से सर्कुलर लूप में अपनी मैग्नेटिक फील्ड को पावरफुल करती रहेगी। आपको अच्छे से समझ में आ रहा बच्चों मुझे आशा है कि इस वीडियो को आपको समझने में बहुत वक्त नहीं लगा हुआ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप का ये कॉन्सेप्ट आज के लिए इतना ही। आपके लिए बच्चों इसके नए वीडियोस में जब हम आएंगे इसके नए कॉन्सेप्ट आएंगे तब तक आप लोग अपने सारे नोट्स अपनी सारी कॉपियां मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं नहीं तो अपनी जिम्मेदारी आप लीजिए। धन्यवाद।